आज की इस प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों का स्वागत है। कल दिनांक 27 अक्टूबर को पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी में कुछ अवैध हथियार लेकर के कुछ लोग, अपराधी किस्म के लोग जो है जा रहे हैं। तो इस सूचना के सत्यापन में मोहनपुर थाना ने और हमारी जो DIU की टीम है उन्होंने कम्बाइंड रेड किया और रेड में हम लोगों ने अर्धनिर्मित पिस्टल 9 की संख्या में जो है बरामद किए हैं और वो 9 जो है बैरल भी हम लोगों ने बरामद किए हैं और जो गाड़ी थी जिस पे प्रेस लिखा हुआ था वो गाड़ी जो है हम लोगों ने जब्त किया है। इस संदर्भ में जो 3 लोग उस गाड़ी से पकड़ाए उन तीनों लोगों के द्वारा जो है कुछ और भी आगे की सूचना दी गई है। एक्चुअली ये पूरे अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुई थी जो हथियार हैं, आगे भी इन पे कुछ काम किया जाना था और इन्होंने कुछ हमें सूचना दी है कि कैसे ये आगे जो है फिनिशिंग वर्क इसका करते हैं। हम लोग उस संबंध में आगे भी अभी छापेमारी कंटिन्यू किए हुए हैं और ये इन तीनों व्यक्तियों को जो है फिलहाल इनकी जो भी इनकी सूचना दी गई उनके आधार पर अनुसंधान करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही इन लोगों के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहे हैं। इसमें से पहला व्यक्ति जो जिसका नाम वीरेंद्र महतो है, इसके विरुद्ध मुंगेर जिले में 3 अलग अलग थानों में जो है पूर्व में भी हथियार बनाने के संबंध में जो है केस दर्ज किए गए थे। इसी के साथ सोनू शर्मा नाम का जो दूसरा व्यक्ति है उसके विरुद्ध मुंगेर और यूपी के कोतवाली मैनपुरी थाने में भी जो है आर्म्स के संबंध में ही जो है केस दर्ज किया गया था और ये हमारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमारी कोशिश रहती है कि जो घटना करने से पहले ही जो है लोगों पे जो है जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स हम लोग कर सकें उसी दिशा में जो है हमारी आसूचना संकलन जो DIU और जो मोहनपुर थाना के द्वारा किया गया है ये उनकी उपलब्धि है और हमें आशा है कि इसके आगे के जो भी इसमें और जो पीछे के जो इसमें लिंकेजेज हैं दोनों पे हम लोग काम करके जो है और भी उपलब्धि जो है भविष्य में पाएंगे।